यह धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की द्योड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। मैं भी एक टीवी शो के अंदर था, मैंने पहली बार एक ऐसा टीवी शो देखा जिसमें वहीं पर कविता लिखनी थी मुझे। उन्होंने एक सीन दिखाया, कहला इस पर कविता लिखो। हमारा एक पायलट लड़ाकू विमान लेकर के सीमा की तरफ बढ़ा, कॉकपिट उसने बंद किया, कहला इस पे अभी अभी कुछ कविता लिखो, बस याद रखना एक बेटा पायलट बैठा है और सीमा की तरफ बढ़ा है, इसमें कविता जैसा कुछ है, मैं आपका ध्यान चाहता हूं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। मैं एक भी सिख पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके वहीं प्रणाम कर देता हूं, सजदा कर लेता हूं। लोगों ने 70 साल में चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया, एक सिख बैठा है, ये ना लगे इस भीड़ में मैं अकेला था, आपकी तालियां उसका अभिनंदन करेगी, मैं दावा कर रहा हूं। इसके बाद में चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया हमने सिखों को, यह बलिदानों का सबसे बड़ा शिलालेख लेने वाली कविता थी, सबसे बड़ा लिखने वाली यह पगड़ी थी, कश्मीर आज है तो इनके बलबूते पर है। वाह 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 भैया, आजादी के संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है। हरिओम भाई साहब इस बात को आंकड़े से आपसे कहते रहे, उसे मैं आज रिपीट कर रहा हूं, 123 ऑथेंटिक फांसियां हुई हैं, आपकी तालियां इसको बड़ा कर सकती हैं। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे, ये छोटी कौम तो नहीं थी, किसी मां के 4 बेटे हो और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, मैंने इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं सुना है। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हुए। पिछले वर्ष मैंने अपनी बेटी की शादी करी तो उसने कहा कि पापा मैं शादी से पहले घूमना चाहती हूँ। मैंने कहा जाना चाहती हूँ, कहने गोवा घुमा दो, चेन्नई घुमा दो, कहीं बम्बई में घुमा दो। मैंने कहा हर साल तो जाती हो, इस बार तुम्हें मैं पंजाब दिखाता हूँ। सच मानिएगा जब मैं सरहिंद की दीवार पर उन्हें बताया इतिहास तो आंसुओं से रो रही थी। छोटे बेटे की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। फतेह सिंह और जोरावर सिंह 2 बेटे वर्ल्ड रिकॉर्ड उठा के देख लेना गिनीज बुक का, यदि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का कोई पहला शहीद हुआ है तो बाबा फतेह सिंह हुए, जिन्हें 5 साल में जिंदा चिनवा दिया गया। फतेह सिंह की गर्दन तक ईंट आई, जोरावर सिंह रोने लग गए। फतेह सिंह ने कहा भैया बलिदान का वक्त आ गया है तो डर गए रो रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हैं। जो जवाब जोरावर सिंह ने कहा, उसने कहा नहीं डरा नहीं हूं, कहला फिर रो क्यों रहे हो। रोहतक वालों उस बड़े भाई की हिम्मत पर आंसुओं पर तालियां उठे आपकी, उसने कहा रो केवल इसलिए रहा हूं छोटे, इस दुनिया में पहले आया मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का 5 साल का बेटा बोल रहा था। चमकौर के दुर्ग में अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी दोनों युद्ध के लिए चले। हमारे राजस्थान में परंपरा है जब बेटा युद्ध को जाता है तो मां तिलक निकालती है चित्तौड़ के अंदर। सिखों में परंपरा थोड़ी सी अलग है, मां कलगी टांगती है पगड़ी के अंदर। गुरु मां उस दिन वहां थी नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने पिता और मां के दोनों दायित्व पूरे किए, पगड़ी में कलगी भी टांगी, कलेजे से भी लगाया, जुझार सिंह को भेजा। अजीत सिंह सबसे पहले थे, बड़े गए, अजीत सिंह गए 2 कदम ही चले होंगे कि भाला आर पार निकल गया। दीवार पर खड़ा हुआ कंगूरे के दीवार पर किले से जुझार सिंह भी दृश्य देख रहा था, किले पूरा भाला आर पार हो गया रीढ़ को बेदता हुआ। बात यह नहीं है कि अजीत सिंह शहीद हो गए, ताली इस बात पर बजे 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। उसके बाद जुझार सिंह गए, जुझार सिंह वापस लौटे, थोड़ी ही देर बाद तो गुरु गोविंद सिंह को शक हुआ कहीं बेटे ने बड़े का बलिदान देखकर भय तो नहीं देख लिया, धीरे से पूछा वापस कैसे आ गए। उसने कहा पिताश्री प्यास लगी है पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने लगभग चिल्लाते हुए कहा शर्म नहीं आती रणक्षेत्र में खड़े हो,
शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते। चारों बेटे बलिदान हो गए तो गुरु मां तक सूचना पहुंची, गुरु मां रोने लग गई। गुरु गोविंद सिंह से कहा मेरे बेटे लौटा दो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा वो चारों तो देश के काम आ गए, चला फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मैं आत्महत्या करना चाहती हूं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा ये तुम्हारे दिमाग में आया भी तो आया कैसे, चला मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीव तो जीव किसके लिए। गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वाक्य कह के गुरु मां को चुप कर दिया। मैं एक अभियान लेकर के चल रहा हूं आपको शुभ सूचना देते हुए कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है, ये शुभ सूचना है इस देश के लिए। लेकिन जिस दिन ये वाक्य चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर लिख दिया जाएगा मैं इस कविता को समझ लूंगा मेरा अभियान सफल हुआ। जब गुरु मां ने कहा मेरा पल्लू फैला दिया कि मेरे बेटे लौटाओ, गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वाक्य कहा और गुरु मां को खामोश किया। आपकी तालियां उठे तो उन सच्चे बाल दिवस के अधिकारियों के लिए उठे जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, अरे चार मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। वाह वाह भाई, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मेरे पास इस सिख पगड़ी के लिए देने के लिए इससे बढ़िया लाइन नहीं है सर। कनाडा चले जाना कभी विनीत चौहान की कविता हर मोबाइल में मिलेगी, पंजाब के किसी न किसी मोबाइल में। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, पुरजापुर जा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजापुर जाकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजापुर जाकट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से एक भी हाथ नीचे ना रहे, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है।